देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। महाराष्ट्र धुलिया में साकरी तहसील के अजंग ग्राम की स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मेडिकल स्कूल के छात्रा दीपावली की छुट्टी मनाने छोटे हाथी से घर जा रहे थे कि इस बीच ट्रक टाटा एस में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें छोटे हाथी में सवार ड्राइवर और उसकी बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं करीब 10 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साकरी तहसील क्षेत्र के छड़वेल पखरून गांव के पास 1 बजे के दौरान साकरी से दहीवेल की दिशा में जाने वाला छोटा हाथी की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दीपाली संदीप और संदीप ब्रजलाल गावित ने सड़क हादसे में घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पर दिलवर एकनाथ चौरे 10 साल निवासी पचमौली, करीना मनोहर कामले को मिलाकर कई लोग जख्मी हो गए। जख्मी हालत में छात्राओं को साकरी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर बीपी गोयल, डॉक्टर श्रेणिक पंडित, डॉक्टर कुणाल भदाड़े ने इलाज किया और गंभीर रूप से घायलों को हीरे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता धनराज चौधरी, नागसेन शिरसाट, जितेंद्र जगदाले ने घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों की मदद की। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।